अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सुलेमान जाजिब और आप इस वक्त देख रहे हैं मिर्च मसाला टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो ना सिर्फ एक फ़िल्म एक्टर हैं लेकिन उनका अदब से भी गहरा लगाव है। और आज दुबई में वो मौजूद हैं तो एक अदबी तकरीब में शिरकत के लिए, जबकि उनकी जो नई फ़िल्म है मंटो वो भी बहुत जल्द जो है वो सिनेमा स्क्रीन पर होगी। उनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे और स्पेशली अदब के बारे में उनका लगाव पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मंटो एक अदबी शख्सियत, उस किरदार को निभाना आपके लिए कैसा था? किरदार को निभाना, मतलब हर किरदार को निभाना आपको मुश्किल होता है। जब भी आप चाहते हैं कि वो बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन होती है आपकी उस किरदार से, आपके डायरेक्टर की, तो आपकी टीम की उस किरदार से काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है और वो ट्राई हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई वहाँ तक पहुँचे। तो मंटो एक ना बड़ा ब्लंट किस्म का अफसाना निगार था, उसके जितने भी अफसाने हैं या जितनी लिखी हुई तहरीरें हैं उनको सिनेमा स्क्रीन पे या स्क्रीन के सामने या लोगों को प्रेजेंट करना, वो कैसा रहा? बहुत ही वाकई डेरिंग वाले राइटर थे वो, और वो उस वक्त पे जो लिखते थे वो आज भी इतना कंटेम्प्रेरी रिलेवेंट है आज के ज़माने में भी, कि आज अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आज ही की बात है। और मेरे ख्याल से 100 साल के बाद पढ़ेंगे तो भी ऐसा ही लगेगा कि वो आज की बात है, क्योंकि उनकी राइटिंग बहुत उस वक्त पे बहुत यूथ को, यंग को बहुत बार बार पढ़ते थे उनकी राइटिंग। आज अगर नहीं पढ़ते तो मेरे ख्याल से ये आज हमारा लॉस है, हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग, जब अभी मैं रोम में शूट कर रहा था तो वहाँ पे इटालियन जो लोग हैं वो भी मंटो पढ़ते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में स्पेशली मंटो पढ़ाया जाता है वहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि, और मेरे ख्याल से यूथ को पढ़ना चाहिए क्योंकि उनकी राइटिंग में एक मास अपील है, डेयरिंग है, सच्चाई है। बिल्कुल। तो आपने जैसे कहा कि जो न्यू जनरेशन है वो अदब को इतना संजीदगी से नहीं लेती, आप एक अदबी तकरीब में शिरकत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो उन दोनों चीज़ों को आप कैसा करते हैं, ऐसी तकरीबात का होना, इनको आप कैसा समझते हैं? लिटरेचर के बारे में ऑफकोर्स जानना बहुत ज़रूरी हो, आज जो नए राइटर्स हैं उन वो क्या लिख रहे हैं, क्या थाट है उनका, वो पढ़ना, वो जानना ज़रूरी है। हम लोग जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो उस वक्त उन्होंने बहुत लिटरेचर पढ़ी हमने, और वही चीज़ काम आती है फिर एंड ऑफ द डे आपके। और मेरी तो यूथ से यही अपील है कि जितना मंटो पढ़ सकते हैं, बहुत लिखा है उन्होंने, और उनकी एक एक दो दो लाइन की स्टोरी में भी जो है ना बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी है छिपी हुई, बहुत बड़ी बात छिपी हुई होती है जो आज हम लोग अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकते ना लिख सकते, उस वक्त पर वो लिख के चले गए। तो ऐसी शख्सियत को हमारी जो फिल्म है उनको एक ट्रिब्यूट ही है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।